दोस्तों अगर आप भी जीत हार से परे संजू सैमसन को अच्छा कप्तान मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों दूसरे क्वालिफायर मैच में हैदराबाद के खिलाफ मिली शर्मनाक हार, तो फाइनल में पहुंच नहीं पाई राजस्थान की टीम, तो फूट फूट कर रो पड़े संजू सैमसन ने। हार के बाद जो कहा वो सुनकर आप भी करोगे सलाम। तो आखिर अपील करते हुए ऐसा क्या कह गए संजू सैमसन की सुनने के बाद आप भी सलाम करने पर मजबूर हो जाओगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि संजू सैमसन और रोहित शर्मा, विराट कोहली, धोनी में से कौन अच्छा कप्तान है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि दूसरा क्वालिफायर मैच राजस्थान और हैदराबाद के बीच एमए चिदम्बरम स्टेडियम पर खेला गया, जहां इस मैच में टॉस जीतकर कप्तान संजू सैमसन ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और जब बल्लेबाजी करने के लिए यहां हैदराबाद की टीम उतरी तो 9 विकेट के नुकसान पर हैदराबाद 175 रन मात्र बना पाई। अब 176 रन का लक्ष्य राजस्थान के आगे था। इस बीच हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा रन बस हेनरिक क्लासेन के बल्ले से निकले, जिन्होंने 50 रन की पारी खेली। बाकी तो राहुल त्रिपाठी 37 और ट्रेविस हेड ने 34 रन बनाकर अपनी टीम के लिए योगदान देने का काम किया। लेकिन मैच में 200 रन कम से कम उनको बनाने चाहिए थे अगर ये जीत उन्हें हासिल आसानी से करनी थी तो। अब दोस्तों चुनौती तो बढ़ने वाली थी राजस्थान और हैदराबाद दोनों टीमों के लिए, क्योंकि यहाँ पर गेंदबाजों को भी मदद थी और पिच पर बिल्कुल भी ओस भी नहीं आई थी, जिसके चलते यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने तो शुरुआत में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके हैदराबाद की टीम को इस मैच में पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेलने का काम किया। और 42 रन जब उन्होंने बना दिए थे तो तब तो लगने लगा कि मैच राजस्थान की टीम आसानी से जीतेगी। लेकिन जब एक बार स्पिनर गेंदबाजों का स्पेल चालू हुआ तो यहाँ पर शाहबाज अहमद ने संजू सैमसन, रियान पराग, रविचंद्रन अश्विन और यहाँ तक कि यशस्वी जायसवाल को चलता किया। और ये विकेट गिर जाने के बाद यहाँ से पूरा मैच पलट गया। और फिर दूसरी तरफ उनका साथ अभिषेक शर्मा भी दे रहे थे। अब 6 बड़े विकेट जब राजस्थान की टीम ने मात्र 92 रन के कुल स्कोर पर गवा दिए थे तब वहाँ से मैच पलटा। और इस बीच अभिषेक शर्मा और शाहबाज अहमद का पूरा दबदबा मैदान पर था और नतीजा ये हुआ कि जिस मैच में हैदराबाद की टीम हारने की स्थिति में थी वहाँ अपनी जगह को पक्का कर लिया। अब दोस्तों कोलकाता के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम हम सभी को फाइनल में भिड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि इस मैच को हैदराबाद 36 रन से जीतने में कामयाब रही। अब दोस्तों दूसरे क्वालिफायर में मिली शर्मनाक हार के बाद फाइनल में पहुंच नहीं पाए संजू सैमसन, तो उन्होंने जो कहा है ना हैदराबाद की टीम के प्रदर्शन पर और अपने खिलाड़ियों के, वो सुनने के बाद आप भी उनको सलाम करने वाले हो। जी हां दोस्तों, यहां पर संजू सैमसन कहते हैं कि आज का मैच जीतने के लिए हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हमारी गेंदबाजी भी अच्छी थी और जब हमने हैदराबाद की टीम को 175 पर रोक लिया था तो हमें लग रहा था कि इस मैच में हम आसानी से जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज मैदान पर बिल्कुल ड्यू नहीं आएगी। अगर थोड़ी भी नमी मैदान पर होती तो शायद ये मुकाबला हम आसानी से जीत जाते, लेकिन खैर हम कंडीशंस को दोष नहीं दे सकते। आज के मैच में हमें अच्छी बल्लेबाजी करनी चाहिए थी और वही हमारी चूक हुई कि हम अपनी बल्लेबाजी से प्रभाव नहीं छोड़ पाए। वहीं यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल ने तो पूरी कोशिश की और मैं इनकी बल्लेबाजी देखकर काफी खुश भी हूं, लेकिन बाकी बल्लेबाजों को कोशिश करनी चाहिए थी कि थोड़े थोड़े रन करके अगर वो मैच को करीब लेकर जाते तो शायद हम मुकाबले को आसानी से जीत जाते। शाहबाज अहमद और अभिषेक शर्मा दो अच्छे खिलाड़ी हैं, ये पूरी दुनिया जानती है और इनकी गेंदबाजी आज हमें समझ में आ चुकी है कि अपने पीक टाइम पर होते हैं तो बड़ी आसानी से मैच को जिताने का दम रखते हैं। तो वहीं दोस्तों फिर आगे संजू सैमसन कहते हैं कि इस साल आईपीएल में हमने काफी अच्छे मैचेस खेले, मैंने रोहित शर्मा सर, महेंद्र सिंह धोनी सर और विराट भैया से काफी कुछ सीखा और इस बार मैंने अपनी टीम के लिए भी वो सब अप्लाई किया जिसके चलते हम यहाँ तक पहुंच पाए, मुझे इस बात की खुशी है। तो दोस्तों ये बात सुनकर आप भी संजू सैमसन को सलाम करने पर मजबूर हो जाओगे। लेकिन अब आप सभी क्या मानते हैं कि संजू सैमसन ने जो कहा आप भी उनकी बातों से सहमत करते हो या फिर नहीं, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।